उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ व थाना पिलखुआ क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव मिला है। आपको बता दें कि थाना पिलखुआ क्षेत्र में मिला महिला के शव की शिनाख्त हो पाई है, जिसमें थाना पिलखवा के पास के गांव के खेरपुर खेड़ा की बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि परिवार द्वारा बताया गया कि यह करीब 2 से 3 दिन पहले घर से गायब हुई थी, जिसके आज डेड बॉडी थाना पिलखुआ क्षेत्र में पाई गई। वहीं आपको बता दें कि दूसरा मामला थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर रोड चौपाला के पास का है, जहां पर एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। सूत्रों की माने तो महिला की स्थिति देखकर अंदाज लगाया जा रहा है कि महिला गर्भवती है। इस मामले में एडिशनल एसपी सर्वेश कुमार मिश्र का कहना है कि अभी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि अभी तक महिला के शव की पहचान नहीं हो पाई और अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि महिला गर्भवती है। एक साथ दो महिलाओं के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। वह पुलिस का भी कहना है कि जल्द ही दूसरी शव की पहचान कर उसके परिवार को सौंपने की कोशिश की जाएगी। सर, जनपद में दो अलग थाना क्षेत्रों में महिलाओं के शव मिले हैं, क्या है पूरा मामला और किस हालत में दोनों महिलाओं के शव मिले हैं? थाना पिलखुआ और थाना बाबूगढ़ के दो महिलाओं के शव मिले हुए हैं। जो पिलखुआ में जो शव मिला है उनकी शिनाख्त हो गई है। पड़ोस के गांव खैरपुर खैराबाद की रहने वाली हैं। उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि वो 2 दिन से घर से गायब हुई थी और जो बाबूगढ़ में महिला का शव मिला है अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त कराने का प्रयास चल रहा है। दोनों शवों का नियमानुसार पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेजा जा रहा है। पीएम के उपरांत ही उनकी मृत्यु किन कारणों से हुई है यह ज्ञात हो सके। सर, बताया जा रहा है जो बाबूगढ़ महिला मिली है गर्भवती बताई जा रही है, क्या पता पड़ पाया इसमें? देखिए, अभी हमारे पास ऐसी कोई पुष्टिकारक सूचना नहीं है और ये सारी चीज़ें पीएम के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। क्या पिलखुआ में जो मिली थी, क्या उस महिला का चोट के निशान थे कुछ? देखिए, प्रथम दृष्टया ऐसा कोई जो भी चोट निशान दिख रहे हैं उनके बारे में हम लोग अभी जो भी विश्लेषण किए हैं ऐसा नहीं लगता कि किन कारणों से पीड़ित हुई है। इसी वजह से उनका पीएम के लिए उन्हें भेजा जा रहा है। पीएम के बाद ही स्पष्ट। इनबीसीएन न्यूज़ के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।